दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। गौतम गंभीर ने आरोप लगाए हैं कि आम आदमी पार्टी रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर गंदी राजनीति कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप देखिए रोहिंग्याओं को लेकर फिलहाल दिल्ली की जो सियासत है वो गरमा रही है। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर वार का पलटवार कर रही है और वो भी ये कह रही है कि ये जो सियासत है ये ठीक नहीं है। चार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, हरदीप सिंह पुरी ने भी बकायदा इसको लेकर ट्वीट किया है। ऐसे में देखिए सौरभ भारद्वाज मीडिया के सामने आए और उन्होंने हमला किया बीजेपी पर, तो बीजेपी ने बकायदा इसको लेकर पलटवार अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर किया और गृह मंत्रालय की तरफ से भी ट्वीट करके देखिए सफाई दी गई है। क्या रोहिंग्या मुस्लिमों को दिल्ली में बसाने की तैयारी है? क्या रोहिंग्याओं को दिल्ली पुलिस की सुरक्षा दी जाएगी? क्या रोहिंग्या मुसलमान अब बनेंगे सरकारी मेहमान? ये सवाल इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया है। सबसे पहले देखिए केंद्रीय मंत्री ने रोहिंग्याओं को लेकर अपने ट्वीट में क्या लिखा है। हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट कर लिखा कि भारत ने अपने यहाँ हमेशा रिफ्यूजियों की मदद की है। एक ऐतिहासिक फैसले में यह निश्चित किया गया है कि रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली के बकरवाला इलाके में EWS फ्लैट में रखा जाएगा, साथ ही उन्हें 24 घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा भी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालयों के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मदनपुर खादर में रह रहे 1100 रोहिंग्या लोगों को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा बकरवाल गांव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाए गए 250 फ्लैट्स में शिफ्ट किया जाएगा। केंद्र के इसी फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया और आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने सीधे केंद्र पर निशाना साधते हुए सवाल दागे। भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये आदेश दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा कि आप इन सब लोगों को डिपोर्ट करिए, मगर कोई डिपोर्टेशन नहीं हो रहा। केंद्र सरकार ने तो 8 साल पहले कहा था कि इनको डिपोर्ट करेंगे, अभी तक डिपोर्ट नहीं किया गया। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि 40,000 रोहिंग्या है और मैं अभी आपको आदेश गुप्ता का वीडियो दिखाऊंगा, उसके अंदर वो कह रहे हैं 5 लाख रोहिंग्या है। 40,000 से 5 लाख हो गए रोहिंग्या और केंद्र सरकार देखती रह गई, तो कौन बसा रहा है? किरण रिजिजू जब मंत्री बने और आदेश गुप्ता अब जो अध्यक्ष बने, उसके बीच में कोई और सरकार तो आई नहीं। भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विवाद बढ़ा, ट्विटर पर मुद्दा ट्रेंड करने लगा, तो इसको लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से भी बयान जारी किया गया। गृह मंत्रालय ने ऐसा किसी भी आदेश देने से इनकार किया। इस मुद्दे के गर्म होने के बाद बीजेपी भी सामने आई। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इसको लेकर दिल्ली की आप सरकार पर हमला बोला। गौरव भाटिया ने कहा केजरीवाल का हाथ रोहिंग्याओं के साथ है।